दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ तो बेचारे के ग्रह का चक्कर है कि कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू जी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पेश होना पड़ा था, बेल लेनी पड़ी थी रेलवे वाले मामले में, जिसको घोटाला बताया जा रहा है, नौकरी के बदले जमीन वाला। ये मुसीबत, अभी बेल मिला लेकिन इसमें कोई खास राहत नहीं मिली है, क्योंकि फिर से पेश होना है, चार्जशीट हो गया है इसमें, और बहुत हद तक परेशानियां बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की, जो कि बीमार चल रहे हैं। हालिया बात करूंगा मित्रों लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप, जो कि पर्यावरण मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और हमेशा चर्चाओं में रहते हैं अपने अलग अलग आदतों की वजह से और अपनी कुछ खास स्टाइल की वजह से। पूजा पाठ अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हिंदू संतों का अपमान करने के लिए भी जाने जाते हैं। बागेश्वर बाबा को लेकर बहुत मुखर होकर आवाज़ उठाई थी, बहुत विरोध भी हुआ था तेज प्रताप यादव का। खैर, उन सब बातों में नहीं जाना, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुसीबतें कुछ तो बढ़ने का अंदाज़ा है। वैसे उनके घर में तो इतने सारे केस मुकदमे हुए कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चर्चा करेंगे इस छोटी सी वीडियो में मित्रों लालू प्रसाद जी के ही बारे में, उनके परिवार के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मित्रों कि आप लाइक और सब्सक्राइब कम से कम जरूर करेंगे और मोटिवेट करेंगे। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड फील कर रहा हूँ और दवाएं भी ली है, तो आवाज़ थोड़ी सी तकलीफ़ से निकल रही है मेरी, इसलिए माइंड मत करना दोस्तों। सीधा बढ़ेंगे वीडियो में दोस्तों। पटना के सिविल कोर्ट में तेज प्रताप यादव जी के ऊपर उनकी धर्म पत्नी ने एक मुकदमा कर रखा है तलाक का, और इस मामले में कई सुनवाइयां हो भी चुकी हैं, आप सबों को पता होगा। और इसी से जुड़ी हुई खबर आई है जो बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं आप सबों को। चूंकि लालू प्रसाद यादव महत्वपूर्ण सबसे बड़े राजनीतिक परिवार हैं बिहार के, सबसे पुराने राजनेताओं में गिनती है, बड़े जनाधार वाले नेता हैं, सिर्फ लालू प्रसाद के नाम पर ही उनके बेटों की राजनीति आप देख सकते हैं कि हिट है। वो सब मंत्री हैं, एक छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी से जुड़ी हुई समाचारों को देखने के लिए लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, और इसलिए हम यूट्यूबर्स का ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है लालू जी से जुड़ी कोई खबर आए तो उसको बताना। मित्रों, अदालत ने अपने आदेश में कहा है राबड़ी देवी आपकी माता श्री, ये तेज प्रताप को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा है, को जो जो सुविधाएं राबड़ी देवी को प्राप्त हैं, उनको पटना में रहने के लिए मकान, नौकर चाकर, भत्ते, सारी सुविधाएं आप अपनी बीबी को, जिसने आप पर मुकदमा किया है, उसको दें। कहने का मतलब दोस्तों, कोर्ट ने ये फरमान सुनाया है, ये आदेश दिया है मंत्री तेज प्रताप को कि आपको अपनी बीबी ऐश्वर्या को तमाम तरह की सुविधाएं एक महीने के अंदर प्रोवाइड करा के अदालत को रिपोर्ट करना है, और ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है तेज प्रताप की पत्नी के साइड वालों की, जो कि बहुत बड़े परिवार से आती हैं ऐश्वर्या, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उनके दादाजी दरोगा राय, कौन नहीं जानता दरोगा बाबू को, उनकी पोती हैं ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या जी की पिता जो हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं लालू जी के साथ ही उनके सरकार में, चंद्रिका बाबू, और दरोगा बाबू का तो खैर नाम मुझे नहीं याद आ रहा, ऐश्वर्या राय जी के दादा का, खैर जो भी हो वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यही खबर थी जो मित्रों आप लोगों को पहुंचानी थी। वैसे देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव, जो अपने अक्खड़ स्वभाव और अपने मिजाज के लिए बिहार में जाने जाते हैं,
क्या अदालत के इस आदेश का पालन करते हैं या उनके वकील इसके खिलाफ कुछ प्रोसीड करते हैं, इसके खिलाफ कुछ याचिका देते हैं, या ये नज़र बनी रहेगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं कि ऐश्वर्या ने अपने केस मुकदमे जो भी किए हैं अपने पति पर, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया है, मीसा भारती तेज प्रताप जी की बड़ी बहन को आरोपी बनाया गया है, और इन सबों पर आरोप है कि इनको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। लालू प्रसाद यादव जी के घर में, राबड़ी देवी जी के सरकारी आवास में, जहां ऐश्वर्या रहती थी तेज प्रताप के साथ, वहां इनके साथ मारपीट भी की जाती थी, शोषण अत्याचार किया जाता था। तो ये बड़ा मामला हो सकता है मित्रों, चूंकि ये केस बहुत आप सभी जानते हैं अदालतें संज्ञान में लेती हैं और नॉन अवेलेबल है। क्या होता है आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तेज प्रताप यादव को अपनी पत्नी को सभी तरह की सुविधाएं देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। देखते हैं तेज प्रताप क्या करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में दीपक कुमार को जरूर याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।